हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको स्वीट कॉर्न चटपटा कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक कप कॉर्न बॉईल कर लिया है, इसे मैं पैन में डालूंगी। पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसे दो मिनट तक ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर। इससे बटर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है स्वीट कॉर्न चटपटा में। इसे सिर्फ एक से दो मिनट तक ही भूनना है, जब तक ये बटर मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा कॉर्न क्रिस्प हो जाए। फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। फ्रेंड्स, आप इसे बटर में ही बनाइएगा। बटर से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, थोड़ा फैलाते हुए हम अच्छे से इसको थोड़ा सा क्रिस्प करेंगे ताकि इसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बटर मेल्ट हो गया और अच्छे से मिक्स हो गया है कॉर्न में बटर। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चटपटा स्वीट कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, तीखा जैसा आप खाते हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। आप इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को ताकि हमारा चटपटा कॉर्न बहुत अच्छा और टेस्टी हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं कॉर्न में। फ्रेंड्स, हमारा चटपटा कॉर्न तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व करेंगे बाउल में। प्लीज़ फ्रेंड, कमेंट करिएगा आप कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी और प्लीज़ ट्राई करिएगा आप। फ्रेंड्स, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।